क्या आप जानते हैं कि ब्लेड के बीच में जो डिजाइन होता है ये सभी ब्लेडों का सेम क्यों होता है, यानी कि सभी ब्लेडों में एक जैसा ही डिजाइन क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि पहली बार जब ब्लेड को बनाया गया था तो ये जिलेट कंपनी द्वारा बनाया गया था, और जिलेट कंपनी ने इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया था ताकि जिलेट कंपनी ने जो खुद का रेजर बनाया है उसमें ये आराम से फिक्स हो जाए, और इसीलिए इसका डिजाइन इस तरह से बनाया गया था। फिर उसके बाद और भी कंपनियों ने जब अपने अपने ब्लेड लॉन्च किए तो उन्होंने भी इसका डिजाइन ऐसा ही रखा, क्योंकि उस समय रेजर सिर्फ जिलेट कंपनी ही बनाती थी, बाकी कंपनियां रेजर नहीं बनाती थी, इसलिए इसका डिजाइन इसी तरह रखा गया, क्योंकि यही डिजाइन जिलेट कंपनी के रेजर में फिक्स होता था, यानी कि अच्छे से टाइट हो जाता था, क्योंकि ये बहुत सालों से चला आ रहा था, इसीलिए इसका डिजाइन नहीं बदला गया, पर आज तक हम लोग इसी डिजाइन के ब्लेड यूज करते हैं। आप मेरे पीछे जो स्प्राइट देख रहे हैं, तो स्प्राइट में जो सिंबल बना होता है ये कोई सिंबल नहीं है। अगर हम स्प्राइट की स्पेलिंग को ध्यान से पढ़ें तो स्प्राइट में आई आता है और आई के ऊपर एक पॉइंट लगता है, यानी कि आई का पॉइंट, और वो यही पॉइंट है, इसको डिजाइन में लिखा गया है, मतलब ये कोई सिंबल नहीं है, ये आई के ऊपर का पॉइंट है। बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। इसी तरह के लाइफ से रिलेटेड फैक्ट्स देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत